एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने जी जान एक कर दिए हैं, वहीं सपा भी चुनाव प्रचार में लगी हुई है। एक तरफ मुख्यमंत्री 4 फरवरी को पर्चा दाखिल करेंगे, वहीं सपा ने अपनी पार्टी से अभी उम्मीदवार के नाम की घोषणा तक नहीं की है। गोरखपुर सदर विधानसभा से सपा नेता राहुल गुप्ता से साधना न्यूज ने खास बातचीत की। सदर विधानसभा से जुड़े हुए हैं हमारे सपा के कद्दावर और जमीनी नेता राहुल गुप्ता, जिनकी मां कई बार यहां से पार्षद रही और पार्टी से एक बहुत अच्छी मजबूती के साथ है, और कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने का इनका एक अपना मत भी है, पार्टी जो डिसीजन करती है। तो सबसे पहले राहुल जी आपका स्वागत है, ये बताइए कि आप गोरखपुर में मुख्यमंत्री के गढ़ में मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं जिसपे पूरे उत्तर प्रदेश में भारत की निगाहें टिकी हुई है और पार्टी के लोग कहते हैं जमानत जब्त हो जाएगी, इसके बारे में आप साधना टीवी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? धन्यवाद साधना टीवी चैनल को। मैं आज आपसे पल्लवी बताना चाहता हूं कि योगी जी और उनके अंधभक्त वो केवल डराने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग समाजवादी सेना के वो कार्यकर्ता है जो योगी जी के खिलाफ बहुत कड़े से लड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री 4 का पर्चा दाखिल कर रहे हैं और आपकी पार्टी ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया, इस पे कैसे चुनाव जीत सकते हैं? प्रत्याशी घोषित होने में 1 से 2 दिन लगना है, और जो भी प्रत्याशी आएगा वो ईट सील बजाने काम करेगा योगी के खिलाफ। उनकी भूल है कि वो जमानत जब्त कराने वाली बातें कर रहे हैं। आपकी पार्टी आपके किसी प्रत्याशी पे भरोसा जताती है तो गोरखपुर का वो पहला काम बताइए जो भाजपा के कार्यकाल में न हुआ हो। बहुत ऐसे काम है जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस सरकार में नहीं करा पाया। पहला तो आप देख लीजिए, आप मेडिकल कॉलेज लेके धर्मशाला बाजार का जो चौड़ीकरण हुआ असगर तक का, आप देखिए इसके अगल बगल के नाले इतने ऊंचे बना दिए गए हैं कि अगल बगल के अच्छे कालीमुरी में पानी चला जा रहा है, कमर तक पानी चला जा रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है, वहां की जनता काफी परेशान है। जो कभी पानी से नहीं डूबे थे उनके कमर कमर तक पानी थे, इस बार में सब परेशान थे। गुंडों को ज्यादा टिकट सपा देती है, अखिलेश जी वही कहे कि 99 गुंडों को भाजपा ने दिया, इसका क्या गणित है? गणित कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ बोल रही है और झूठ बोलती रहती है, ऐसा कुछ नहीं। सबसे अधिक उनके में अभी आप समझिए 80 लोगों का नाम ऐसा है जो अपराधी है, उनके ऊपर मुकदमे है, मेरे उसके पास प्रमाण भी है। मैं आपको दे सकता हूँ किसी पर 36 केसेस, कभी किसी के ऊपर 48 केसेस, बिलभूषण शरण सिंह जैसे लोग जो कोटा के सांसद है उनके 48 केसेस। आपके सपा की जो बहू है भाजपा में सुरक्षित है, इस पे क्या कहेंगे? भाजपा ने तो तंग कसा है। अरे वो तो तंग इसलिए कसा है कि वो योगी जी का आंसू पोछने के लिए वो बेचारी अपहरा गई, उनकी जो बहन है वो तो अपने भाई के साथ रह सकती थी, लेकिन वहां से रह गए मुख्यमंत्री के, वो बता रही है कि अखिलेश जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, जहां अखिलेश जी लड़ेंगे वहीं से वो लड़ेंगी, इसके बारे में क्या कहेंगे? वो लड़ के देख रहे चारों खाने चूत हो जाएंगी, पहले तो वो तैयारी करे कुमार खरीद कर और राजकीय जी जिसको नियुक्त करेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा, वही अखिलेश जी हो सकते हैं क्या? एकदम हो सकते हैं। तो फिर ये तो परिवारवाद ही हुआ ना? कैसे परिवारवाद हुआ? आप देखिए इतने दिनों तक शिवपाल जी को दूर रहा, आदि में शिवपाल जी को आज आना पड़ा क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का काम बोलता है। चाचा भतीजा की लड़ाई हुई तो चाचा भतीजा एक हो गए, इसमें भी पार्टी कहती है बीजेपी वाले कहते हैं एक नहीं हो गए उनको, चूंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कई छोटे पार्टियों को सम्मानित करके पार्टी में चुनाव लड़ाने की कोशिश किया है जिससे हम लोग को जीत मिले, इसलिए उन्होंने शिवपाल यादव जी को लिया है। तो कहते हैं जब घर की महिला सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश उत्तर प्रदेश या देश की महिला कहां से सुरक्षित होगी, इस पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे भाजपा को? ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है हाथरस का किस्सा ले लिया, यहाँ पे लड़की को ले जाके पुलिस वाले प्रशासन के लोग ले जाके जलाते हैं, उनके माँ बाप तक नहीं उनको दे पाए। यूपी में कहा था नेहा सिंह राठौर, कहीं वो अभी आपके राजनीति की दादादारी में कहीं कदम तो नहीं रखेंगी? नेहा सिंह राठौर तो है वो पार्टी से हमारी कोई मतलब नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी खुद उसकी वो घोड़ी थी इसलिए उन्होंने चीजों को लॉन्च किया है और भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया है कानून के मार्फत से। डॉक्टर कफील और राज बब्बर का सुनने में आ रहा है कि आपकी पार्टी में आ रहा है, इसके बारे में क्या रहा है? देखिए डॉक्टर कफील चूंकि वो बेचारे निर्दोष थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको बहुत अधिक प्रताड़ित किया है, जेल जाना पड़ा उनको। मैं उनका साक्षात्कार हूँ जब वो इंसेफ्लाइटिस मामले का वो गए थे, ऑलरेडी वो बेचारा वो लोग दे रहा था, मैं उसका प्रत्यक्ष दर्शी हूँ, इसलिए हो सकता है कभी भी चुनाव लड़ सकते हैं।
तो मुख्यमंत्री आप साधना टीवी के माध्यम से मुख्यमंत्री को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आपकी पार्टी का कौन सा ऐसा दावेदार आदमी है या कौन सा ऐसा अभी मुख्यमंत्री ने एक पत्र पूर्व मुख्यमंत्री ने पत्र जारी किया कि आपके चुनावी वादे जो किस वादों पे आधार पर चुनाव लड़ेंगे, उन वादों में से कितने वादों को पूरा करते हैं? भाजपा कहती है कि वो तो अधूरे वादे करते हैं, भाजपा ने पूरा किया, तो आपके वादे अभी भी वही अधूरे रहेंगे या कुछ पूरे होंगे? अरे वो झूठ बोलने का काम करता है भारतीय जनता पार्टी का पूरा कमता मोदी से लेकर योगी तक झूठ बोलने का काम करता है। जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे काम किया अपने वादों में आप 112 दिया, ठीक है, उसका 102 दिया, 250 दिया, 1090 दिया महिलाओं की सुरक्षा के लिए। अब इन लोगों का काम है कि नाम बदलना और नंबर बदलना और फीता काटना। यदि आप खुद देखिए आप पत्रकार है, कितने पत्रकारों का मुंह बंद है, आप तो खुलेआम बता रहे हैं, लेकिन कितने पत्रकार को जो कहते हैं वही करते हैं सब। उन्होंने कहा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर को दे दिया, गोरखपुर का विकास हो गया, गोरखपुर का क्या विकास हो गया जो आप बता रहे हैं आपकी नजर में नहीं हुआ? अरे मैं पांच सीधा सीधा आपको बता दूं, मेडिकल कॉलेज का 500 सीट जो बेड दिया उन्होंने, जिसको इन्होंने कोरोना का